माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भारत सरकार ने भरतपुर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में वहां पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। मेरे लोकसभा क्षेत्र भरतपुर के निवासियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के 10 साल से पुराने ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन बंद है। भू उपयोग परिवर्तन में बहुत लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। सड़क संपर्क की स्थिति ठीक नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भरतपुर जिले में आधारभूत संरचना के विकास हेतु बजट आवंटित किया जाए तथा किसानों के जो पुराने ट्रैक्टर हैं उनके रजिस्ट्रेशन आदि से पाबंदी हटाई जाए। श्रीमती प्रतिमा भौमिक,